हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर या फिर जियो फाइबर या कोई भी फाइबर कनेक्शन अगर आप लेते हैं और उसके साथ अगर आपको लैंडलाइन का कनेक्शन फ्री में मिलता है तो उसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो, तो उस बारे में ये वीडियो होने वाला है। आपको लैंडलाइन यूज़ करने के लिए सबसे पहले चाहिए ये वाला जो है रिसीवर। आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हो, ये मैंने बीटेल का लिया है और ये सबसे सस्ता है, 500 रुपये का या फिर 490 का आपको मिल जाएगा। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा इनमें फिर कॉर्डलेस भी आते हैं, उसके अलावा डिस्प्ले वाले आते हैं, वो थोड़े आपको महंगे मिल सकते हैं, बट बीटेल एक काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है और एक साल की वारंटी भी मिलती है आपको यहाँ पे, और ये काफ़ी मजबूत था। ज़्यादा कुछ हमें अभी काम नहीं था तो इसलिए मैंने बिना जो है डिस्प्ले वाला मंगाया है, बट अगर आपको देखना है किसका फ़ोन आया है, नंबर वगैरह चेक करना है, तो आप डिस्प्ले वाला परचेज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको महंगा मिलेगा, 800-900 तक का मिल जाएगा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा कॉर्डलेस आते हैं पैनासोनिक के, बीटेल के, सबके, तो ऐसा कुछ ये होता है और सिर्फ ये मिलता है बॉक्स के अंदर। ऐसा ये बॉक्स है, इस पर अगर आप प्राइस देखोगे यहाँ पे तो 590 रुपये पड़ी हुई है, बट अमेज़न पे सस्ता मिलता है और लोकल मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, केवल ये रिसीवर था और ये एक लीफलेट मिलता है जिसपे कि वारंटी वगैरह शायद क्लेम कर सकते हैं आप, यूज़र मैनुअल भी है थोड़ा सा, तो वो सब हम नहीं देख रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कनेक्शन कैसे करना है, वो बताते हैं आपको यहाँ पे कि कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट कनेक्शन की बात करते हैं, कैसे आपको कनेक्शन करना है और आप फिर बात करना चालू कर पाएंगे। तो ऐसी आपको एक कॉर्ड मिल जाएगी, कोई सा भी आप अगर खरीदेंगे, इसको यहाँ से आप मूव कर सकते हैं और ये भी इंटैक्ट है कि नहीं ये आप देख सकते हैं कि रिसीवर इस पर लगा हुआ है कि नहीं, ये वाला, ठीक है, ये लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वायर यहाँ से अनटाई कर लेना है और उसके बाद ये इस तरीके का, ये आप देख लो यहाँ पे, इसको आपको फाइबर बॉक्स पे लगा दे। अब फाइबर बॉक्स पे कहाँ पे लगाना है इसकी जानकारी के लिए, तो फाइबर बॉक्स पे आप अगर पीछे देखोगे अपने या जो सा भी यूज कर रहे हो आप ना, तो वहाँ पे ऐसा सा कुछ आपको लेआउट मिल जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो टेली वन लिखा हुआ है, तो ये है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, एक ही टेलीफोन लगा सकते हो, ये टेली वन का है। उधर लाइन के पोर्ट हैं तो उनमें नहीं लगाने, जिस पे TEL टेली वन लिखा है, और यहाँ पे जो टेली टू लिखा है उस पे पोर्ट नहीं दिया गया है, तो एक ही पोर्ट है यहाँ पे, एक कनेक्शन हम यहाँ पे लगा सकते हैं और एक ही लगाना भी है, तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको देख लेना है कि नीचे की तरफ ये ऐसे रहे, तो आसानी से आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरफ से लगाना है। इसमें नीचे की तरफ के लिए बना है, तो हम इसको नॉर्मली आराम से, ये देख रहे हैं आप, में ये देख रहे हैं एक हाथ से कनेक्शन कर रहा हूँ, बस ये लग गया, क्लिक की आवाज़ आई और ये कनेक्ट हो गया है रिसीवर। अब यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे लिखा है पावर लिंक और लैन 1, 2, 3, 4 है, उसके अलावा यहाँ पे 4G और 5G नेटवर्क है जो वाईफाई बैंड्स हैं, फिर यहाँ पे है Tele 1, Tele 2, ठीक है, और इंटरनेट वगैरह, तो वो इस पर कनेक्शन आ रहा है इंटरनेट का, उसका साइन है, और USB का किसी और वीडियो में बताएंगे आपको कैसे यूज़ करते हैं। नीचे अब देखिए यहाँ पे, तो जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा रिसीवर को, यहाँ पे टेली वन पे लाइट जल जाएगी, और जैसे ही मैं रिसीवर यहाँ पे रखूँगा, देखिए वो लाइट वहाँ पे बुझ गई, अभी फिर रिसीवर उठाऊँगा वो लाइट जल गई, आ रही है, आप यहाँ पे सुन सकते हैं आवाज़ आ रही है, तो ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे ना एक नंबर डायल करके देख लेते हैं, तो मैं अपना नंबर डायल करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ना 0 दबाना पड़ेगा, ये देखिए फ़ोन आ गया है और लैंडलाइन का नंबर उस पर शो कर रहा है, और हम यहाँ पे बात भी कर सकते हैं, हेलो हेलो, तो आराम से बातचीत हो रही है। अब ये पास में ही है तो आवाज़ फ्लैक्चुएट हो रही है। तो अगर आपको मोबाइल पे नंबर डायल करना है तो 0 आपको लगाना पड़ेगा, तभी फ़ोन लगेगा। अब एक बार इस पे कॉल करके देख लेते हैं, रिंग करते हैं यहाँ से, तो देख रहे हैं इस पे ऐसे ऐसे कॉल आ रही है और यहाँ पे टेली वन जो है ना ब्लिंक कर रहा है। तो ऐसा कुछ ये सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसे ऐसे करके आप जो है अपने लैंडलाइन कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है नीचे तो कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर सारा कुछ देख लिया तो सारा कुछ कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन सब कुछ दबा डालो, और अपना ध्यान रखो यार, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मैं चलता हूँ, बाय बाय।